स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो है थोड़ा अलग है। इसमें जो है हम ये जो चंडीगढ़ में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रावण एफिगी जो बना है, हम उसको आपको दिखाएंगे। मैं वहाँ फ़िलहाल जाने वाला हूँ अभी। ये गड्ढा ग्राउंड ऑफ EWS कॉलोनी धनास में जो है, चंडीगढ़ का इलाका है, वहाँ पे इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये एफिगी जो है काफ़ी बड़ी है, जो रावण का पुतला जो है काफ़ी बड़ा है। अराउंड 7000 किलोग्राम जो है वेट इसमें लगाया गया है इसमें, और जो है 40 वर्कर ने इसको बनाया है। तो टोटल ये जो है वो 221 फीट का रावण है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल चुका हूँ मोहाली से इसको देखने के लिए, और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इसको कि ये कैसा दिखता है, और मैं इसका पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको। वैसे जो है ये जो इसको बनाने का कॉस्ट है वो कम से कम 30 लाख रुपए के अराउंड लिखा हुआ है इन्होंने, टाइम्स नाउज में मैंने पढ़ा था। और बाकी जो टोटल वर्थ है उसका, सारे मतलब मुझे लगता है जहाँ तक सारी चीज़ें जो है उसमें जितनी भी चीज़ें लगी हैं उसका टोटल वर्थ है जो है वो 1.59 करोड़ के आसपास है। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ के मैंने कहा चलो एक बार देखना तो बनता है इसको। ठीक है, तो 221 फीट लंबा रावण है ये, और देख लेते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ये लग गए, ये अलग अलग रावण है ये, किसान बनाता वो अपने किले ले, किला बेचा उसने। ये तो बहुत छोटा है, कहाँ वाला, हम लोग वाला कहाँ है? आप ही आएगा, वो उधर साइड करते ना बैरिकेटे ना आगे। हिमाचल वाले हैं सारे, ये सब सेब लेके आता है उधर से, बेचते हैं। मोटा बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा पतला कर दिया है। पतला कर दिया ना, जब इतना ऊंचा है तो थोड़ा मोटा भी तो बना कर रखो उसको। रावण का पेट दिखाओ थोड़ा सा, रावण को बिल्कुल स्लिम कर दिया। कार्ड पेमेंट है ना आपकी? हाँ। मेला तो लगा हुआ है रैली से, आता रात को इतनी भीड़ हो जाएगी ना, लोग आ नहीं पाएंगे, हम अभी देख के भाग जाएंगे। हमने होशियारी कर दिया, खास तरह बात दिखाने टीवी में दिखा रहे, इतना बड़ा था, देखने में तो सिंपल सा ही लग रहा है ना। आगे जाके लग गया ना, काफी दूर से इतना लग रहा है ना, चक्कर है मुझे देख रहे कितनी बड़ी है। Thank you.
उठा के ले आओ। और ये है हमारे चंडीगढ़ का सबसे बड़ा रावण, चंडीगढ़ का अभी गाड़ियां अंदर नहीं आएगी, लोग पैदल ही आ सकते हैं अंदर क्या, तो टेंशन फ्री होके घूमने साला। अरे यार मजेदार है, मतलब मस्त जूते तक जाके देखेंगे रावण को, जूता आदमी सुन गया। अभी मेरा फोन का बैटरी डाउन हो गया ना, पावर बैंक है मोबाइल है ना, अरे ये क्या है इधर, क्या है इतना सारा कॉलोनी सा लग रहा है, कॉलोनी है ईडब्ल्यूएस कॉलोनी बताया था थे। अच्छा ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। अच्छा वही वाला वीकर सेक्शन वाला बना दिया गया है, देख रहे बिल्कुल नहीं, इधर से चले शॉर्टकट। हाँ नहीं ठीक है, इतना ही बहुत है रावण, ठीक है यार मोटा हम, मैं सोच रहा था, और रमेश बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ, मैं सोच रहा था स्लिम बना दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है, मोटा है, जितना मोटा होना चाहिए उतना ही है, मेटलिक है, मेटलिक क्यों बनाएगा, 50 क्विंटल मेटल लगा है, लोहा लोहा लगा है, कहाँ लगा है, मेटल लगा है, लोहा नहीं लगाया होगा, खड़ा करने के लिए तेल लगाया होगा, खड़ा करने के, और यार गिरेगा तो साला फिर, अच्छा वो गिरेगा ही नहीं ना, वो फ्रेम नहीं गिरेगा, सरिया है इसके अंदर, वो सरिया तो वैसे खड़ा का खड़ा रहेगा, बाकी चीजें जल जाएगी, वरना सरिया गिरने लगा तो साला, हाँ पैसे तो। अच्छा एक पीछे पीछे क्रेन है, वो बारिश से भी बोलता कुछ नहीं होगा, पेपर में तो ये भी दिया, हवा से भी कुछ नहीं दिया। अच्छा हवा भी हिला नहीं पाएगा रावण को, यार अच्छा बना रहे हैं यार, मजेदार है। तो यहीं तक वो कहा जूता बोल रहे थे कि तो उसमें जो पेपर वाला था उसमें तो अंदर नहीं गया था ना, बनाने वाले सारे थे ना रिपोर्टर, रिपोर्टर वाले चले जाएंगे अंदर, हम नहीं जा पा रहे ना, फोटो लेते हैं, अगर ग्रीन रहेगा वीडियो तो लाइएगा कि नहीं लाइएगा, और हम यहीं पे समाप्त करते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़े रावण की प्रतिमा को 221 फीट। बाय।